हेलो एवरीवन मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पैथन और पैथन के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में ठीक है आज हम लोग क्या देखने वाले हैं ऑपरेटर्स ठीक है अब ऑपरेटर्स क्या होता है तो ऑपरेटर देखिए एक सिम्बल्स होता है बहुत सारा सिम्बल्स हम लोग देखने वाले उन्हीं को ऑपरेटर्स कह, कहा जाता है और जैसे अगर लिखना है मुझे अगर तो मैं लिखूंगा द सिंबल दैट टिगर द ऑप रेशन On data, on data or R called operator. ठीक है और एक चीज होता है उसे भी मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू द डाटा डाटा on which on which operation operation is being carried out आर कॉल्ड ऑपरेंड, ओ पी ई आर ए एन डी ऑपरेंड, ठीक है मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्लस और उसके बाद ए लिखता हूँ तो यहाँ पे ये जो प्लस है ये क्या है ये आपका ऑपरेटर है ये क्या है ये आपका ऑपरेटर है और ये जो ए मैंने लिखा इसे हम कहेंगे ऑपरेंड ओ पी ई -E आर ए एन डी ऑपरेंड उसी प्रकार से अगर मैंने ए लिखा और फिर यहाँ प्लस लिखा और यहाँ पे बी लिखा तो जाहिर सा बात है ये जो प्लस साइन है ये हमारा क्या होगा ये हमारा ऑपरेटर है और ये जो ए है ये क्या कहलाएगा ऑपरेंड और ये जो बी है ये भी क्या कहलाएगा ऑपरेंड कहलाएगा अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे और यहाँ पे ऐसे लिखा है कारण क्या है क्योंकि अगर एक ऑपरेटर एक ऑपरेंट पे अगर कोई ऑपरेटर का यूज़ होता है ना तो उसे हम क्या कह देते हैं उसे हम कह देते हैं यूनेरी ऑपरेटर क्या कह देंगे उसे हम यूनेरी ऑपरेटर ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कहलाएगा यू एन ए आर वाई ठीक है यूनेरी ऑपरेटर देखिए ये वाला ठीक है ना ये यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा और ये जो है ये क्या कहलाएगा जब दो ऑपरेंट के बीच हम लोग कोई ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ना तो वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर वो क्या कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर्स ठीक है समझ में आओ तो इस चीज़ को आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर यूनरी का मैं बात करूँ इसको मैं एक काम करता हूँ एक हाँ देखिए जैसे मैं अगर प्रॉपर डिफिनेशन अगर लिखूँ यू ए एन यूनरी ऑपरेटर का तो ये हो जाएगा आपका यू ये गलत हो गया स्पेलिंग यू एन ए आर वाई यूनिरी ठीक है ना तो यूनिरी ऑपरेटर ओ पी ई टी ओ आर एस ऑपरेटर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि द ऑपरेटर द ऑपरेटर्स दैट एक्ट ऑन वन ऑपरेंड मतलब जो ऑपरेटर किसी एक ऑपरेट ऑपरेंड में यूज हो रहा हो यूज हो रहा हो उसे हम क्या रिफर कर सकते हैं आर रिफर्ड टू एज यूनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर समझ में आओगा बात कि एक ऑपरेटर एक ऑपरेंट एक ऑपरेंट पे देखिए यहाँ पे ए लिखा मैंने और यहाँ पे प्लस लिखा तो यहाँ पे कितना ऑपरेंट है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंट है एक ही ऑपरेंट है और इस पर क्या यूज़ हो रहा है एक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है इस तरह का ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे यूनरी ऑपरेटर कहेंगे इस तरह ऑपरेटर को हम लोग क्या कहेंगे यूनरी ऑपरेटर कहेंगे उसी प्रकार से बाइनरी का आप क्या लिख सकते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं बाइनरी ओपरेटर तो सिंपल सा मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा द ऑपरेटर दैट एक्ट ऑन एक्ट ऑन टू ऑपरेंट आर रिफर्ड टू एस बाइनरी ऑपरेटर ठीक है ऑपरेटर्स कर देते कोई बात नहीं है और अभी मैं आपको समझा भी देता हूं एक मिनट देखिए जैसे कि अगर मैं यहां ए लिख दूँ और प्लस लिख दूँ और बी लिख दूँ तो अभी यहां पे कितना ऑपरेंट है देखिए दो ऑपरेंट है एक तो मेरा ये ए, ये ऑपरेंट है ये एक, है, ये एक है और ये दूसरा बी एक ऑपरेंट है ठीक है ना दो ऑपरेंट के बीच में क्या यूज़ हो रहा है ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो इस प्रकार का ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे ठीक है ना जब दो ऑपरेट ऑपरेंट में कोई ऑपरेटर का यूज़ होता है तो उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं ठीक है समझ में आया होगा आप लोगों को अब आगे में बहुत सारा ऑपरेटर्स होता है तो वन बाय वन हम लोग अब वो सब भी देखेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा ऑपरेटर हम लोग देखने वाले हैं ठीक है ना तो यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर ए आर आई टी एच एम ई टी एच टी आई सी ठीक है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे उसके बाद में हम लोग फिर क्या देखेंगे फिर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे री रेशनल ऑपरेटर देखेंगे उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर देखेंगे उसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे उसके बाद हम लोग बीटवाइज ऑपरेटर देखेंगे उसके बाद हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर देखेंगे एम ई एम बी ई आर मेंबर एस एच आई पी सिप मेंबरशिप ऑपरेटर तो ये सारा ऑपरेटर हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले एक पेज मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे वन मिनट हाँ तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं ठीक है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर अभी हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑपरेटर ओके तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले आता है ये साइन प्लस साइन तो प्लस साइन सिंपल है इसे हम एडिशन ऑपरेटर कहते हैं ए डी डी आई टी आई ओ एन ठीक है ये बहुत छोटा हो जा रहा है अब इसको लेते ठीक है एडिशन ऑपरेटर और ये कुछ इस प्रकार से करेगा जैसे यहाँ पे फाइव प्लस टू कर दूँ तो ये मेरे को सेवन देगा ठीक है ना ये इसी प्रकार से दो ऑपरेटर ऑपरेंट को जोड़ देगा ठीक है एंड देन माइनस माइनस भी सिंपल है जैसे आप स्कूल में अभी तक करते हुए आ रहे हैं बस उसी प्रकार से ये भी काम करता है कोई अलग चीज़ नहीं है ठीक है माइनस जैसे करवाने के लिए जैसे फाइव माइनस टू लिख दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा थ्री मिल जाएगा उसी प्रकार से फिर एस्ट्रिक साइन ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है हम लोग कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या का यूज़ करते हैं कौन सा साइन का यूज़ करते हैं एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग में भी अगर दो वैल्यू को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को एस्ट्रिक साइन का यूज़ करना होगा अगर मैं यहाँ पे फाइव लिखूँ और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से एस्ट्रिक साइन दे दूँ और फिर टू लिख दूँ तो मेरे को रिजल्ट क्या देगा टेन देगा उसी प्रकार से स्लैश किसका काम कंप्यूटर में स्लैश का काम डिवाइड करने के लिए काम आता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवीज़न सिमिलरली उसी प्रकार से अगर पैथन में एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करना होता है तो हम लोग स्लैश लगते से फाइव स्लैश टू लिख दूंगा तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा टू पॉइंट फाइव ठीक है उसके बाद में डबल स्लैश अगर मैं लिख दूँ तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लोर डिवीज़न एफ एल ओ आर आर फोर फ्लोर डी वी जन अब फ्लोर डिवीजन क्या काम करता भैया फ्लोर डिवीजन देखिए जैसे फाइव उसके बाद डबल स्लैश टू दे दूँ तो अगर हम लोग नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा टू पॉइंट फाइव मगर फ्लोर डिवीजन पॉइंट के बाद वाला नंबर मतलब कि डेसिमल वैल्यू जो होगा वो नहीं देगा सिर्फ इंटीगल पार्ट जो होता है उसका इंटीजर पार्ट जो होता है वही रिटर्न करेगा मतलब ये टू रिटर्न करेगा एक एग्जांपल मैं और दे दूं। अगर मान लीजिए कि सेवन है और उसका फ्लोर डिवीजन टू का साथ करूं तो ये मेरे को क्या देगा ये मेरे को थ्री देगा और नॉर्मल डिवीजन अगर मैं करता सेवन को टू से डिवाइड करता तो ये क्या देता ये मेरे को थ्री पॉइंट फाइव देता तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है ठीक है उसके बाद में फिर एक अलग सा आपको मिलेगा इस प्रकार से परसेंटेज साइन जब भी आप देखेंगे तो इसे मॉडल्यूज कहते हैं ये क्या करता है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रिमाइंडर भी बोलेंगे तो चलेगा लेकिन एक्चुअली में ये मॉडल्यू बोलते हैं इसको हम लोग ठीक है ना मैं यहाँ पे फिलहाल रिमाइंडर लिख दूँ क्योंकि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग फाइव को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा वन मिलेगा ना मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ अगर मैं फाइव को टू से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाता है टू टू जा फोर होता है और यहाँ वन बचता है और अगर आपको याद होगा कि जो भी बचता है उसे हिंदी में सेसफल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं तो इस प्रकार से जो परसेंटेज साइन हम लोग देते हैं ना परसेंटेज साइन से हमको क्या मिलता है रिमाइंडर मिलता रिमाइंडर मिलता है ठीक है, है उसी प्रकार से इसको थोड़ा मैं ऊपर करूं ऐसे उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे दो बार स्टार लिख दूं, ठीक है ना तो इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट सी एल एक्स पो सी एल इस प्रकार से और इसका काम क्या है देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ फाइव लिखूँ और दो बार यहाँ पे एस्ट्रिक साइन देके दो लिखूँ तो इसका मतलब होता है फाइव का पावर टू फाइव का पावर टू का मतलब क्या हो जाएगा फाइव इंटू फाइव दैट मीन्स क्या रिटर्न करेगा ये ट्वेंटी फाइव समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी का पावर निकालना है तो आप इस प्रकार का साइन यूज़ करके पावर निकल सक निकाल सकते हैं तो ये था सारा आर्थमेटिक ऑपरेटर आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का ऑपरेटर देखते हैं आगे हम लोग अभी देख लेते हैं जैसे कि अच्छा एक का ऑपरेटर तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है एक होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है ना यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ कि एक ऑपरेटर और हम लोग को देखना है वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर उसको भी हम लोग देखने वाले हैं ठीक है ए एस एस आई जी एन एम ई एन टी असाइनमेंट ओ पी ई आर ए टी ओ आर ठीक है इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसी को देखेंगे ठीक है तो यहाँ मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग अभी बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले ए एस एस आई जी एन एम ई एन टी असाइनमेंट ओ पी ई आर ए टी ओ आर ऑपरेटर्स ठीक है जैसे देखिए आप सबको तो पता होगा कि हम लोग वेरिएबल में किस प्रकार से वैल्यू को इंसलाइज करते हैं ठीक है जैसे कि अगर मैं ए लिखूं और फिर इक्वल टू साइन दू और फाइव लिख दूं तो क्या होता है ये फाइव ए में इंसलाइज हो जाता है ठीक है ना उसी प्रकार से अगर मैं ए लिखूं इक्वल टू बी लिख दूं तो क्या होगा बी का वैल्यू जो भी होगा वो कहाँ चल जाएगा वो ए में इंसलाइज हो जाएगा बी में तो रहेगा साथ ही साथ ए में भी आ जाएगा तो जब भी हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं तो इस इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट करवा दे वैल्यू इंसर्ट करवाने का काम आता है अब उसी प्रकार से देखिए क्या होगा कि बहुत सारा असाइनमेंट ऑपरेटर और भी है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस इक्ल टू वाई तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि हम कहना चाहते हैं कि x इजीक्ल टू एक्स प्लस वाई हो जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा x इजिकल टू एक्स प्लस वाई हो जाए और अच्छा से समझना है आपको तो मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू वन है और y का वैल्यू टू है ठीक है तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि ये क्या कर देगा x इजिकल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन नहीं एक्स प्लस वाई मतलब कि x का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू दोनों प्लस हो के एक्स में आ जाएगा ठीक है अब सिमिलरली बाकी जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है आप अगर उसको लिखेंगे ऐसे करके तो इसका काम वही है देखिए इसी प्रकार से काम करेगा एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वाई अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रिक साइन दे दूँ और इक्वल टू लिख दूँ और फिर y लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा x इजिक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा ठीक है सारा बाकी सब जितना सेमिलरली उतना ही है खाली आपको इतना समझ जाना है कि जब भी आप कभी देखेंगे कि ए प्लस इक्वल टू फाइव लिखा हुआ है देखिए मैं यहाँ पे ऐसे भी समझाता हूँ तो इसका मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि एक्स बोल रहा हूँ मैं शायद ए ए प्लस इक्वल टू फाइव लिखा हुआ रहेगा अगर तो उसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस तो अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉरी सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर में यही समझना था हम लोग को और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ठीक है तो फिर मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूँ और अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में अब जैसा कि इसका नाम क्या है देखिए रिलेशन आर ई एल ए टी आई ओ एन ए एल रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कि दो वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है ये पता करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं अब जैसे कि दो वैल्यू मतलब दो वेरिएबल है ए है और बी है अगर हमको चेक करना है ए बी से बड़ा है तो हमें क्या करूँगा ऐसे करके ग्रेटर देन साइन यूज़ करेंगे हम लोग ठीक है ना ग्रेटर देन साइन यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं तो उसी प्रकार से रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग लेस देन साइन यूज़ कर सकते हैं लेस देन वैल्यू लेस देन है, है कि नहीं चेक करने के लिए ग्रेटर देन साइन यूज़ कर सकते हैं कि एक वैल्यू दूसरा वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है उसके लिए ग्रेटर देन उसके बाद में फिर हम लोग इस तरह से लेस देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं लेस देन उसके बाद इक्वल टू देंगे तो इसे हम कहेंगे लेस देन और इक्वल टू या फिर इक्वल टू दोनों में कोई भी चीज हो सकता है है ना उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ऐसे लिखेंगे हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू उसी प्रकार से डबल इक्वल टू ऐसे ऐसे देके के हम लोग देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा ये इक्वल टू मतलब अगर जैसे कि इससे पहले हम लोग देखे थे कि जब इक्वल टू हम लोग बी लिखते थे तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ए में बी का वैल्यू को स्टोर कराओ मगर ऐसा सिचुएशन भी होगा कि हम लोग चेक करना चाहेंगे कि क्या ए का वैल्यू बी के वैल्यू के साथ बराबर है एट दैट सिचुएशन जब आप दो वैल्यू को कंपेयर करवाना चाहते हैं दोनों का इक्वलिटी चेक करवाना चाहेंगे तो आपको डबल इक्वल टू का यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ का ध्यान रखेगा पैथन प्रोग्रामिंग में या हर बहुत सारा प्रोग्रामिंग में इस प्रकार से रहेगा ठीक है एंड देन अगर आपको नॉट इक्वल टू चेक कराना है तो फिर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे पहले एक्सपेट्री का साइन होगा एंड देन इक्वल टू होगा और इसे हम कहेंगे नॉट इक्वल टू ठीक है ना जैसे कि मैं फिर से दिखा दूं मान लीजिए कि यहाँ पे ए है जिसका वैल्यू पाँच है और एक बी है और जिसका वैल्यू सिक्स है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए नॉट इक्वल टू बी तो ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा ये मेरे को रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि सही बात है ना ए का वैल्यू बी से इक्वल नहीं है और यही चीज को अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ ए इक्वल टू इक्वल टू बी तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू बी के वैल्यू के साथ बराबर नहीं है ठीक है ना अब आगे हम लोग देखते हैं देखिए अब हम लोग आइडेंटिटीज ऑपरेटर देख लेते हैं ठीक है ना आई डेन टी टी ऑपरेटर ठीक है आइडेंटिटी ऑपरेटर देखिए एक तो आपका ईज होता है एक क्या होता है एक होता है ईज और दूसरा होता है आपका ईज नॉट होता है ये दो आइडेंटिटीज़ ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज बी तो क्या होगा कि मान लीजिए कि ए का वैल्यू फाइव है और बी का वैल्यू भी फाइव है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा मगर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू अगर इक्वल नहीं होगा तब जाके क्या होता है कि वो हम लोगों को अलग अलग वैल्यू देता है और एक चीज मैं आपको बता दूं रिटर्न ट्रू इफ बोथ इट ऑपरेंट आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट है ना मतलब सेम मेमोरी लोकेशन होता है पाइथन में क्या होता है कि अगर आप एजिकल टू बी लिख दिए हो और बी इजिकल टू फाइव लिख दिए हो तो ये जो है इसके लिए मेमोरी जो एलोकेट होता है यही यही ए के लिए और यही बी के लिए ही रहेगा देखिए इसी में वो यूज़ करता है ठीक है ना उसके बाद में अगर यहाँ पे मैं इज नॉट यूज़ करूँ तो जाहिर सा बात है यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये नॉट इक्वल टू का जैसे काम करेगा अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको फॉल्स मिलेगा फॉल्स इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम है और जो डिफ़रेंट एलोकेशन में है मतलब यहाँ पे अब मैं दूसरा ले लेता हूँ जैसे ए फाइव है और यहाँ पे मतलब नॉट इक्वल टू अगर हम लोग लगा रहे हैं ठीक है ना तो उसका मैं बात कर रहा हूँ और और यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ होता है क्या है कि जब ए इज़िकल टू फाइव लिख दूँ और बी इज इक्ल टू सिक्स लिख दूँ तो दोनों का मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग हो जाएगा ये आपका ए का हो जाएगा ए आपका बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका फ़ाइव और यहाँ पे आपका सिक्स रहेगा ठीक है ना और उतना आपको समझना नहीं है ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था इसको आप फोकस मत करिए आपको सिंपल सा एक चीज समझना है कि अगर ए और बी का वैल्यू सेम होता है तो ईज ऑपरेटर यूज करेंगे तो ट्रू दिखाएगा और ए और बी का वैल्यू अगर अलग होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और सिमिलरली ये उल्टा काम करेगा अगर ए और बी का वैल्यू सेम है तो ये मेरे को फॉल्स देगा और अलग अलग है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा कौन इज नॉट ठीक है ना? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में ठीक है ना? अभी हम लोग क्या देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर तो लॉजिकल यहाँ मैं लिख देता हूँ एल ओ जी आई लॉजिकल ऑफ ऑपरेटर ठीक है तो लॉजिकल ऑपरेटर कितना होता है लॉजिकल ऑपरेटर आपका होगा तीन ठो एक आपका होता है एंड एक होता है आपका और और एक होता है आपका नॉट ठीक है अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो एक टेबल बना रहा हूँ जैसे मान लीजिए कि दो कंडीशन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कंडीशन वन है और फिर कंडीशन टू है और यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देगा तो सबसे पहले मैं एंड का बात करता हूँ ठीक है ना तो एंड में क्या होगा इसको एंड हम लोग यहीं रखते हैं ठीक है एंड में क्या होगा देखिए अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू होता है और ये कंडीशन भी ट्रू होता है मतलब कंडीशन वन भी ट्रू होता है और कंडीशन टू भी ट्रू होता है तब जाके ये ट्रू रिटर्न करेगा मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी कंडीशन हम लोग देते हैं तो उसका हमको दो ही परिणाम मिलता है या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा जैसे आप एग्ज़ाम में पास होंगे या फेल होंगे जैसे आप एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे तो उसके लिए एक नंबर डिसाइड हो जाता ना थर्टी थ्री अगर आपका मार्क जो है आपका जो मार्क है एम ए आर के मार्क अगर ये ग्रेटर देन थर्टी थ्री है ऐसे मैं लिख दूँ तो ठीक रहेगा हाँ नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है ग्रेटर देन क्या है थर्टी थ्री है मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्टी थ्री ये कंडीशन है है ना ऐसा होता है तो आप क्या होगा पास होंगे अगर ये ट्रू देता है मतलब आपका मार्क जो है वो थर्टी थ्री से बड़ा है तो ये ट्रू देगा और अगर छोटा है तो वो क्या देगा आपको फॉल्स देगा तो इसी प्रकार से कभी भी हम लोग कंडीशन रहता है तो या तो ट्रू या तो फॉल्स देता है हम लोग को तो उसी प्रकार से अभी मैं दो कंडीशन का बात कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी एंड में हमको ट्रू मिलेगा अगर मान लीजिए एक कंडीशन फॉल्स होता है और एक कंडीशन ट्रू होता है तो क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि एक कंडीशन ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो हम लोग को क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा और उसी प्रकार से मान लीजिए दोनों फॉल्स है तो क्या मिलेगा हमको फॉल्स ही मिलेगा फॉल्स ही मिलेगा ठीक है अब रहा बात है कि और किस प्रकार से काम करेगा और में क्या होगा कि अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये मेरे को ट्रू ही रिटर्न करेगा और का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें दो में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू ही रिटर्न करता है जैसे यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों फॉल्स हो जाता है तभी वो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये एंड और, और में यही फ़र्क है और नॉट क्या कर देगा नॉट एन ओ टी नॉट नॉट क्या कर देता है कि ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को मान लीजिए अगर ट्रू मिलता है तो वो फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स मिलता है तो वो क्या कर देगा ट्रू कर देगा दैट मीन्स वो रिवर्स कर देगा वो क्या कर देगा रिवर्स कर देगा ठीक है ना तो आई होप आपको समझ में आया होगा और देखिए अगर नहीं भी कोई भी चीज अभी समझ में आया है तो कोई बात नहीं अभी तो हम लोग थ्योरी देख रहे हैं इसका मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपको जस्ट आज का क्लास में मैं थ्योरीटिकल आपको बताना चाहता था ऑपरेटर तो थ्योरिटिकल वन बाय वन हम लोग डिस्कस करवा कर ले रहे हैं ठीक है उसके बाद प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे इसका बाद में अभी हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर देखेंगे देखिए बीट वाइज ऑपरेटर अब बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है देखिए बीट वाइज ऑपरेटर में एक आता है आपका एंड ऑपरेटर ठीक है तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर ही डिस्कस कर लेते हैं एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर दो ऑपरेट है अगर दो इसको हम लोग बीट वाइज एंड बोलते हैं इसका नाम क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ इसको हम लोग बोलते हैं बीट वाइज एंड और इसका हम लोग उपयोग इस प्रकार से करेंगे जैसे ए लिखा हुआ है और फिर एंड और उसके बाद में बी और ये रिजल्ट हमको कैसे देगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ द एंड Operator. Operator. Compare. Compare. To. Beats. And. Generate. a result of one if both bits are one otherwise अदरवाइज इट रिटर्न जीरो मतलब देखिए दो बैनरी नंबर है मान लीजिए वन जीरो वन जीरो ऐसे करके और एक है आपका वन वन जीरो वन इस तरह से तो यहाँ पे क्या बोला गया है अगर दोनों बीट्स में वन वन है तो वो वन रिटर्न करेगा और दोनों में किसी में भी मतलब जैसे यहाँ जीरो वन है तो ये जीरो रिटर्न होगा यहाँ पे वन जीरो है तो ये जीरो रिटर्न होगा यहाँ जीरो वन है तो ये जीरो रिटर्न होगा तो ये एंड का, का काम है एंड ऑपरेटर का, का काम है ठीक है अब आगे देखते हैं हम लोग उसी प्रकार से नेक्स्ट आपका आ जाएगा इस तरह से सिंबल हम लोग देते हैं और इस तरह से सिंबल जो देंगे ये बीट वाइज और होता है या आप इसको और ऑपरेटर भी कह सकते हैं ठीक है बीट वाइज और ठीक है और जैसे कि ए और बी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अब ये क्या करता है मैं यहाँ पे आपको बता दूँ द और ऑपरेटर कॉम्पेयर टू Beats and generates a result of one if the Beats are complementary, otherwise, it's written. ज़ीरो और सिंपल मैं अभी समझा देता हूँ आप लोगों को जैसे अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था वन जीरो वन ज़ीरो इस तरह से नीचे में वन वन जीरो जीरो ऐसे ले लूँ तो यहाँ पे क्या होगा अगर वन वन है अगर वन वन है तो वन रिटर्न होगा अगर वन जीरो है तो वन रिटर्न होगा अगर जीरो वन है तो वन होगा वन जीरो है तो वन होगा जीरो ज़ीरो है तभी ये जीरो रिटर्न करेगा इसका कहने का तात्पर्य यही है ठीक है उसके बाद में फिर आगे देखते हैं हम लोग अभी हम लोग एक्स और ऑपरेटर का बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ना जैसे कि अगर मैं ऐसे करके ऐसे सिंबल दूं, तो इसे हम कहेंगे बीट वाइस एक्स और ठीक है जैसे ए और ये सिंबल और बी ऐसे रहेगा तो अब ये क्या रिटर्न करता है ये कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा ये क्या करेगा सी ओ एम पी ए आर ई कॉम्पेयर टू बीट दो बीट को ये कंपेयर करेगा एंड रिटर्न एंड रिटर्न रिटर्न वन इफ इफ आइदर ऑफ द बीट आर वन एंड गिव जीरो इफ बोथ बीट आर जीरो और वन सिंपल है देखिए फिर से हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जीरो वन जीरो वन है और नीचे में यहाँ पे वन ये आपका जीरो है ये आपका वन है ठीक है और ये आपका जीरो है इस प्रकार से तो ये इसका कहना क्या है कि अगर दोनों मतलब किसी में दो बीट में किसी में भी अगर वन होता है तो ये वन रिटर्न करेगा जैसे इसमें वन रिटर्न करेगा इसमें वन रिटर्न करेगा लेकिन अगर दोनों में जीरो होता है तो ये जीरो रिटर्न करेगा और दोनों में वन होता है तो भी ये जीरो रिटर्न करेगा लास्ट वाला पॉइंट पॉइंट देखिए गिव जीरो बोथ बीट्स आर जीरो और वन बोथ बीट्स आर जीरो और वन तो ये काम है आपका एक्स और ऑपरेटर का ठीक है अब उसी प्रकार से एक आपका और हो जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जैसे कि अगर मैं इस प्रकार से साइन दू ठीक है तो इसे मैं कहूँगा बीट वाइज कम्प्लीमेंट बीट वाइज कंप्लीमेंट अब ये क्या करता है जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ दी सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी कम्प्लीमेंट ऑपरेटर Operator is used to in invert all of bits of the ऑपरेंड ठीक है जैसे कि अगर वन जीरो वन वन है ठीक है ना तो ये उल्टा कर देगा वन है तो उसको वो ज़ीरो कर देगा जीरो है तो वन कर देगा वन है तो ज़ीरो कर देगा वन है तो ज़ीरो कर देगा ठीक है ना देखिए इसको समझाने के लिए अगर मैं एक बार आपको और एक बार समझा दूँ एक टेबल बना के मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रो कर देता हूँ एक लाइन यहाँ पे और उसके बाद एक लाइन यहाँ पे ठीक है और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते किसका बारे में एंड वाला सबसे पहले जो हम लोग देखे थे ए एंड डी इसको और एक बार मैं समझा रहा हूँ ठीक है ना तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एक का वैल्यू ले, ले लेते हैं बी का वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करवा देते हैं रिजल्ट ठीक है ना अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर जीरो है यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है यहाँ जीरो है यहाँ वन है तो रिज़ल्ट में क्या होगा अगर दोनों जीरो है तो जीरो मिलेगा यहाँ एक जीरो है तो भी हमको जीरो मिलेगा और यहाँ पे भी दोनों में एक जीरो है तो जीरो मिलेगा अगर दोनों वन रहेगा तभी ये हमको वन रिटर्न करेगा ठीक है अब उसी प्रकार से यहाँ पे एक और मैं बना लेता हूँ ऐसे करके फिर यहाँ मैं बना लेता हूँ ऐसे करके और अभी यहाँ हम लोग और का देख लेते हैं ओ आर और ठीक है ना जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ए ए और ये बी और ये आपका आर ई एस यू एल टी रिजल्ट है ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अगर ये आपका जीरो है और ये आपका जीरो है ये वन वन है और ये आपका जीरो वन जीरो और वन है तो यहाँ पे दोनों जीरो है तो ये जीरो देगा अगर दोनों में से किसी में भी वन है तो वन रिटर्न होगा तो जाहिर सब बात है सब में वन है तो वन वन मिलेगा मेरे को ये आपका और का हो गया ठीक है उसी प्रकार से अगर एक्स और को भी इसी टेबल से अगर समझना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको समझा दूँ तो यहाँ पर फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे और फिर से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे और उसके बाद यहाँ पे ए यहाँ पे बी और यहाँ पे आपका आर ई एस यू एल टी रिजल्ट और अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं हम लोग एक्स और का बात कर रहे हैं जिसको हम लोग इस प्रकार से ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, है ना तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा ये वन होगा ये वन होगा और ये जीरो होगा ये वन होगा ये जीरो होगा और ये वन होगा तो देखिए अगर दोनों जीरो है तो क्या होगा हमको जीरो ही मिलेगा और दोनों में से किसी में भी एक वन होता है तो ये वन रिटर्न करेगा देखिए इसमें दोनों में से एक है तो ये वन रिटर्न करेगा और ये दोनों सेम है दोनों में से एक मतलब कि अल्टर होना चाहिए जैसे एक जीरो एक वन होगा तब ये वन देगा तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक में वन है एक में जीरो है तो वन दे रहा है और दोनों में सेम वैल्यू होगा तो ये मेरे को जीरो रिटर्न करेगा इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर दोनों बीट का वैल्यू सेम होगा तो जीरो रिटर्न करेगा और सेम नहीं होगा तो वन रिटर्न करेगा ठीक है ये एक्स और का कहानी है ठीक है उसके बाद में फिर हम लोग क्या देखे थे थोड़ा मैं इसको फिर ऊपर कर लेता हूँ एंड देन हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे अगर मैं लिख दूर फिर से मैं यहाँ पे एक तो टेबल ऐसे ऐसे बना लेता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जीरो है और यहाँ वन है इसमें ज़्यादा नहीं लेना है तो ये क्या करेगा जीरो को वन कर देगा और वन को जीरो कर देगा कौन भाई ये ऑपरेटर इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी उसके बाद देखिए एक ऑपरेटर हम लोग अभी छोड़ दिए हैं और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ जैसे कि मेंबरशिप ऑपरेटर ठीक है अभी हम लोग किसके बारे में नहीं देखे मेंबर सिप ऑपरेटर तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होगा एक आपका इन होगा और एक आपका नॉट इन होगा एक आपका नॉट इन होगा तो ये हम लोग लेटर क्लास में देखेंगे मगर अभी मैं सिंपल सा बता लेता हूँ जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है एस ए सी एच आई एन सचिन और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इन एन तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिंग में ए मौजूद है ना तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर मैं लिखूँ कि जेड इन एन तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जेड नहीं है उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए इन ए नाट इन ठीक है नॉट इन एन तो ये मेरे को क्या देगा ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ए मौजूद है उसी प्रकार से जेड not इन एन लिखूँगा ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि जेड इसमें नहीं है और यहाँ पूछा भी तो वही जा रहा है ना जेड नॉट इन एन इसीलिए मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा और अगर आप नहीं समझे कोई सा भी ऑपरेटर इसमें से कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये जस्ट एक थ्योरीटिकल था आज का क्योंकि देखिए सिंबल्स को पहचानना ज़रूरी है उनका नाम जानना जरूरी है उनका काम जानना ज़रूरी है और सिर्फ प्रैक्टिकल में आप काम जान जाएंगे, मगर हो सकता है कि आप उसका नाम नहीं याद रख पाए तो इस वर्ष आज का ये का हमारा थ्योरी वाला क्लास था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक ऑपरेटर का प्रैक्टिकली जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो हो सकता है कि आज थ्योरी था तो थोड़ा बहुत आप लोगों को बोर महसूस हुआ हो बट फिर भी ये नॉलेज के लिए थ्योरी भी बहुत ज़रूरी होता है ठीक है